नमस्कार, स्वागत है आपका आज के टॉप फाइव में और मैं हूँ आपके साथ दिवांशु शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की टॉप फाइव न्यूज पर। कांग्रेस नेता के लंदन में भारत के लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर घमासान तेज हो गया है। चार दिन से संसद ठप हो गया है। सत्ता पक्ष जहां राहुल से माफी मांगने पर अड़ा हुआ है, तो वही कांग्रेस भी दो टूक कह रही है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। वही राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने लंदन में भारत विरोधी कुछ भी नहीं कहा, वैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो मुझे संसद में बोलने का मौका जरूर मिलेगा। फ्रांस में वीरवार को मैक्रो सरकार का पेंशन सुधार बिल पास हो गया। इसके तहत रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करवा दिया, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री बोर्न से इस्तीफा देने की मांग करने लगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने कार्यवाही शुरू करने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस बार हर विधायक को बजट पर चर्चा करने का भरपूर मौका मिलेगा। बजट पर अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 190 के अंतर्गत 8 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश होगी। ई टेंडरिंग मामले के चलते सीएम की घोषणा के बाद हरियाणा के सरपंच दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। जहां एक गुट सरकार की तरफ खड़ा है, तो वहीं दूसरा सरकार के विरोध में सड़कों पर डटा हुआ है। जो कि ऐलान के विरोध में पूर्व घोषित विधानसभा का घेराव करने से पहले पंचकुला में इकट्ठा हो यहीं से चंडीगढ़ का रुख करेंगे। आंदोलनरत सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर समेण ने कहा कि सरकार साजिश कर रही है, हम ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे, केवल लिमिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 2 विकेट पर 91 रन बना लिए। 2022 के बाद मोहम्मद सिराज सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आज के इस टॉप 5 में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।